हेलो दोस्तों मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्यूनिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने जाएंगे वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा सबसे पहले यहां पे हम चार्ट पे आना चाहेंगे अगर आप यहां पे चार्ट को देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका फॉर्म हुआ है बियरिश इनगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है ये वाला ग्रीन कैंडल को टोटली इनगल्फ कर लिया है इसलिए हम लोग इसको बियरिश इनगल्फिंग बोलते हैं और इसको हम शॉर्ट में बी ई लिख देते हैं तो अगर आप इस बेयरिस इनगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड इनिशिएट करते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे अगर हम इसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे तो हमें प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा लेकिन क्या जब भी हम बियरिश इनगल्फिंग कैंडलिस्टिक बेसिस पे ट्रेड करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा चलिए यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी क्या हुआ है यहां पे भी हमें बियरिश इनगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला है लेकिन इसके बाद अगर आप यहां पे सेल साइड की तरफ इनिशिएट करते हो तो क्या यहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा जी नहीं यहां पे आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला यहां पर आपको लॉस होगा तो हम सेम स्ट्रेटी यूज करें सेम कैंडलिस्टिक पैटर्न यूज करें एक जगह हमें प्रॉफिट मिल रहा है दूसरी जगह हमें लॉस मिल रहा है यहां पर हम कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहेंगे देख सकते हैं यहां पर भी अगर आप गौर करेंगे तो आपका इस लेवल के आसपास क्या फॉर्म हुआ बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ शॉर्ट में बियरिश इफ और इनगल्फिंग और इसके बेसिस पे भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो प्राइस आपका अच्छा खासा नीचे गया हमें यहां पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा तो कहीं पे अगर हम बियरिश इनगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न यूज करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता कहीं पर नुकसान होता है और जनरल लोगों के साथ ऐसा ही होता है कोई भी ट्रेड अगर वो लेते हैं तो कहीं पे प्रॉफिट होता है कहीं पे नुकसान होता है लेकिन वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो क्यों प्रॉफिट हुआ और अगर हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो यहाँ पे हमें क्यों नुकसान हो रहा वो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कब हमें बेरिश इनगल्फिंग कैंडलिस्टिक के बेसिस पे ट्रेड करना और कब हमें बियरिस इन कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है यानी बेयरिस इन कैंडलस्टिक के बेसिस पे जो आप ट्रैप में फंसते हैं जो आपको नुकसान होता उस नुकसान को कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तो चलिए इसको हम डिटेल से समझते हैं

कि आपका एक रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा पॉइंट है कि रेजिस्टेंस लेवल के करीब आपको क्या फॉर्म होना चाहिए रेजिस्टेंस लेवल के करीब आपका बियरिश इन गल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होना जरूरी है अब तीसरा पॉइंट क्या है तीसरा पॉइंट यहां पे हम चेक करेंगे रिस्क और रिवॉर्ड इन रिस्क रिवॉर्ड रेश हमारे फेवर में होना चाहिए और चौथा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है कि जब आपका रेस्टेंस टेबल के करीब बियरिश इन गल्फिंग बन रहा उससे पहले जो बायर्स हैं उनका वीक होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर बायर्स कमजोर नहीं हुए हैं और उसके बाद अगर आपका बियरिश इन गल्फिंग बन जाता है तो वहाँ भी अपना ट्रेडिंग एवॉइड करेंगे तो ये चार कंडीशंस अगर ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तभी हम कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे नहीं तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे ट्रेडिंग एवॉइड करना ज्यादा प्रेफर करेंगे तो चलिए देखते हैं इन चार पॉइंट को फॉलो करते हुए कहां पे पे कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है तो सबसे पहले यहां पे हम इस एग्जांपल को देखना चाहेंगे यहां पे आपका बियरिश इन गंग कैंडलिस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है उससे पहले क्या यहां पे रेस्टेंस लेवल है कि नहीं प्राइस आपका ऊपर गया है और यहीं से प्राइस आपका नीचे आ गया मतलब यहां पे एक रेस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन हो गया है अब हमें ये चेक करना है कि ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है उसके करीब जाने के बाद बायर्स कमजोर हुए या नहीं हुए देखिए यहाँ पे बायर्स में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है यानी बायर्स यहां पे हमें स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कैंडल का साइज छोटा हो रहा है और ऊपर में टेल भी बनता हुआ दिख रहा है दैट मीनस टू क्या है कि बायर्स रेजिस्टेंस लेवल के करीब हमें कमजोर दिख रहे हैं मतलब ये दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे फेवर में है कि नहीं है वो भी हमें यहाँ पे चेक करना होगा एंट्री पॉइंट करना होगा तो और इसको टोटली करके आपका, का किया है और आपका क्या बना दिया बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया है अब बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो गया इसके बाद हम इसके लो को मार्क करेंगे और जैसे अगला कैंडल ओपन होगा इसके लो के नीचे यहाँ पे हम क्या करेंगे सेल सारी की तरफ इनिशिएट करेंगे ये पॉइंट मेरा के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा और टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं पहला टारगेट प्राइस आप चाहो तो यहां पे भी रख सकते हो नहीं तो अल्टीमेट टारगेट प्राइस आपका यहाँ पे होता हुआ दिख जाएगा ये हमारा टारगेट प्राइस बन जाएगा तो इस तरीके से अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे जो आपको बनता हुआ दिख रहा है देख सकते हैं 2.12 है यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा दो से ज्यादा होना चाहिए और दो से ज्यादा यहाँ पे है यानी यहाँ पे अच्छा खासा हमें रिवॉर्ड मिल रहा है यानी यहाँ पे रिस्क हमें कम दिख रहा है तो हम इस ट्रेड को इनिशिएट करेंगे इस ट्रेड के लिए यहाँ पे हम जा सकते हैं और यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा तो इस तरीके से जब भी आपको बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिले तो आप इसके बेसिस पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं अब यहाँ पे भी देखिए सबसे पहला क्या हुआ यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन किया है फिर प्राइस नीचे आया और यहां पे आपका एक सपोर्ट लेवल का फॉर्मेशन किया है फिर प्राइस आपका ऑल द वे ऊपर साइड की तरफ गया है। और ऊपर साइड की तरफ जब जा रहा है तो नहीं पहुंचा। उससे पहले ही क्या फॉर्म किया ये आपका बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया है तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना है कि बियरिश इनगल्फिंग कैंडल कहां पर होना चाहिए लेवल के करीब होना चाहिए जो पहले पॉइंट को ये यह पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम इसके बेसिस पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करेंगे कहीं भी आप बियरिश इनगल्फिंग कैंडल देख के ट्रेड नहीं करना बीआरफिंग कैंडल बनना चाहिए कहां पे? लेवल के करीब बनना चाहिए बेहद करीब इसके बनेगा तभी हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे अदरवाइज हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बायर्स भी हमें कमजोर दिखना चाहिए जब बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा तो लेकिन वैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है मतलब बायर्स भी बियरिश इनगल्फिंग बनने से जस्ट पहले स्ट्रॉन्ग है मतलब ये किसी भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता हुआ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे तो जब भी आपको बियरिश इनगल्फिंग कैनलिस्टिक पैटर्न आ सपोर्ट के पास दिख जाए या फिर सपोर्ट वेस्टर्न लेवल के बीच में दिख जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको ट्रेडिंग एवॉइड करना प्रेफर करना है तो ठीक है ये दो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल पे आना चाहेंगे तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि आपका बजाज फिनसर्व के अवैली चार्ट पे तो यहाँ पे हम अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग टाइम फ्रेम ले रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए और इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सके अब वापस से प्राइस आपका ऊपर गया यहाँ पे से प्राइस आपका नीचे आना स्टार्ट हो गया मतलब यहाँ पे डिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन कर दिया

ये हमारा क्या बन जाएगा ये हमारा एस बन जाएगा और इसके बाद यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे और जहाँ से अपसाइड मूव स्टार्ट हुआ है ये हमारा टारगेट के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा यहाँ पे हमें फाइनली रिस्क रिवॉर्ड चेक करना है रिस्क रिवॉर्ड आपका 2.75 है यानी रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में काफ़ी हद तक है यानी अगर यहाँ पर हमारा सौ पॉइंट का एस बनता है बाई चांस अगर हम एस एल यहाँ पर सौ पॉइंट का रखते हैं तो जो टारगेट मेरा बनेगा टू सेवेंटी फाइव बनेगा तो टू पॉइंट सेवन फाइव रिस्क रिवॉर्ड का मतलब यही है यानी जितना रिस्क है उससे हमें टू पॉइंट सेवन फाइव गुना ज्यादा रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है तो जब भी ऐसा सिचुएशन बने रिस्ट्रेंस लेवल के आसपास अगर आपका बियरश गल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो उसके बेसिस पे हम आसानी से ट्रेडिंग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देखना चाहेंगे और यहाँ पे हम आगे अब हम टाइटन के थर्टी मिनट के चार्ट पे तो यहाँ पे भी देखिए प्राइस आपका ऊपर गया है और रिस्टेंस लेवल के आसपास यहाँ पे क्या हुआ आपका बियरिश इन कैंडल का फॉर्मेशन किया है अब यहाँ पे भी रिस्टेंस लेवल के आसपास बियरिश इन गल्फिंग कैंडल बनाए और उससे पहले कैंडल का साइज भी छोटा हो रहा है ग्रीन कैंडल का मतलब जो बायर्स हैं वो भी यहाँ पे हमें कमजोर दिख रहे हैं अब बायर्स में कमजोरी हमें देखने को मिल गया तो यहाँ पे हमारा सारा पॉइंट सेटिस्फाई हो गया तो इसके लोएस्ट पॉइंट को हम मार्क करेंगे ये हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा और ये हमारा स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा उसके बाद प्राइस यहां से आपका नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या यहां पे रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में है या नहीं है तो यहां पे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड को चेक करें तो 0.69 आ रहा है अब 0.69 पॉइंट रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या है कि अगर हमारा एस एल पॉइंट का बन रहा है तो जो टारगेट मेरा बन रहा है वो सिक्सटी पॉइंट का ही बन रहा है मतलब जो यहाँ पे हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया और जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पे हमें कम देखने को मिल रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है तो भी हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे तो सारा क्राइटेरिया फुलफिल होने के बावजूद भी अगर रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है तो हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे तो इस तरीके से आप डिस्टिंग कर सकते हैं कि कौन से बियश इन गल्फिंग कैंडल के बेसिस पर हमें ट्रेड लेना है और कौन से कैंडल के बेसिस पर ट्रेड नहीं लेना है अगर आपको इसमें कैंडल के बारे में या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और डिटेल से स्टडी करना तो इसके ऊपर हमने अलग से कोर्स बनाया जहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल से बात किया तो आप उस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटेड कम्युनिटी को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको सारा कोर्स दिख जाएगा और ये सारा कोर्स करने के बाद आप खुद से एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं आप खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजन इनिशिएट कर सकते हैं अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं So, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद